चाय हो तो ऐसी हो। अगर आप हरिद्वार आए हैं और आपका चाय पीने का मन हो तो यहाँ मिले हमारे भाई साहब से, और इनका शुभ नाम बताएंगे जी आप। हाँ जी, आपका शुभ नाम जी? दीपक शर्मा, भारद्वाज। सुनता सुनता आ रहा हूँ जी, मैंने बोला चाय पीने की इच्छा जी, कहाँ पी जाए, तो आपका नाम लिया प्रेम टी स्टॉल। 40-45 साल के लोग। 40-45 साल हो गए इसी काम को, चाय को। पहले हमारे फादर करते थे। सादी चाय स्पेशल, अदरक चाय, वाह जी वाह, कड़क इलायची चाय स्पेशल, कॉफी भी मिलती है सर? कॉफी भी है, कुल्हड़ वाली कॉफी। बहुत बढ़िया। ये कौन सी गली में है आप, आपके लोकेशन क्या है? ये हरिद्वार राम घाट। अच्छा जी, मेन राम घाट की गली है। आपने बताया यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हुए जी, हाँ जी, बॉलीवुड के स्टार सर आते रहते हैं। कौन कौन आए हुए? आयुष्मान खुराना जी आए थे, जो फिल्म बनी थी ना आप दम लगा के ऐशा, वो पूरी शूटिंग यही हुई है राम घाट में। अच्छा, मैंने यही रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। अनुराधा कोटवाल, ऐसे बहुत सेलिब्रिटी बहुत आते हैं। तो ऐसा क्या डाल रहे हो आप चाय में, जो लोग यहीं पे सारी गलियां छोड़ के यहीं पे आ रहे हैं? बस यही है जी, बस अपना पुराना लहजा बनता चाय का वही बनाते आ रहे हैं, जो सीखा हुआ है। मैं 2018 में पहली बार जब हरिद्वार घूमने आया था, तो घूमते घूमते यहाँ रामघाट आया, तो वापसी में लौटते समय चाय पीने की तलब लगी, तो यहाँ इनके पिताजी उस समय बैठा करते थे। अच्छा जी। तो मैंने उनसे चाय पी, तब से मैं हरिद्वार जब भी आता हूँ यहीं चाय पीने आता हूँ। करीबन 6 साल से अटूट संबंध है। इनका बोल चाल बड़ा अच्छा जी, मीठा। हाँ जी, सबसे पहले पूछते हैं चीनी कितनी। बिल्कुल, सबसे पहले यही पूछते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि चाय ताजा और गरम हाथों हाथ बना के देते हैं, रखी हुई चाय नहीं देते या गरम करके नहीं देते। भारद्वाज जी, मैंने देखा ये पीतल के इसमें बनाते हो आप चाय। हाँ जी, चाय पीतल के। क्या खास बात है, क्या कारण? खास बात क्या होता है, इसमें स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। अच्छा जी। और इसमें चाय बढ़िया पकती है। अच्छा जी, शुद्ध होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है। तो हमें भी यही लेना पड़ेगा घर पे, तभी अच्छी चाय बनेगी। नहीं, ले सकते हैं, बढ़िया आपकी चाय। ये सर जयपुरिया अतिथि भवन है, रामघाट का फेमस, बढ़िया साफ सुथरा भवन है। यहाँ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आती है। यहाँ कवि जमंड पे अटल बिहारी वाजपेयी भी यही रुका करते थे। अच्छा जी। हाँ जी, वाह जी, वो आपके पिताजी ने देखा होगा ना? क्या देखा होगा? बिल्कुल देखा है, आपने? फादर ने देखा है। अच्छा, वाह जी वाह, बहुत पुरानी बात। बहुत बढ़िया जी, मजा आ गया जी आपके साथ। आपसे बात करके ना मेरा दिल खुश हो गया जी, कि इतनी पुरानी दुकान आप पिताजी की निशानी को आगे चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कि ये कुल्हड़ मैंने देखा पूरे हिंदुस्तान में चाय इसमें बना के पिलाते हैं, तो इसका क्या फायदा है, मतलब क्या इसका फायदा क्या जी? तो मिट्टी का होता है, शुद्ध होता है, साफ होता है, जो पीने में आदमी को अच्छा लगता है। और जो लोग मांगते हैं इसी में मांगते हैं, अच्छा जो पीने का स्वाद है इसी में ही। और इसका क्या नुकसान है जी? केमिकल वगैरह कुछ मिक्सिंग होती है इसमें से, लोग नहीं पीते हैं इसमें। डिस्पोजल तो डिस्पोजल ही है सर, लेकिन मेन जो है कुल्हड़। कुल्हड़ यानी कि जो देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें ये हो कि भी इसी में पिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है ना। शुद्ध मिट्टी का तुरंत पी के ऐसे डिस्ट्रॉय कर फेंक देते। चाय के अलावा आपके पास मट्टी और फैन भी है? ठीक है। तो क्या टाइमिंग रहता है जी आपका सुबह और शाम का? सर सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक, 8:30, उसके बाद वाइंड अप। बहुत बढ़िया। तो रहते भी आप यहीं लोकल ही? आसपास लोकल ही है सर, यहीं के। अच्छा, यहीं के हो? हरिद्वार के, उत्तराखंड के ब्राह्मण। ओ वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। फिर तो आपका मेरा प्रणाम है जी। हाँ जी, हमें सुबह सुबह ब्राह्मण जी मिल गए, दर्शन हो गए। अच्छा, वो पीछे पिताजी की फोटो है? हाँ जी, ये हमारे फादर। अच्छा जी, तो इन्होंने कितने साल चलाई जी दुकान? इन्होंने कम से कम सर 16 साल की उम्र में काम ज्वाइन करा था अपना, और ये 71 साल की उम्र में कंटिन्यू किया इन्होंने। अच्छा, हमारे देखने वाले जरूर आएंगे जी आपके पास, इतनी 45 साल पुरानी दुकान में जो जायका है मिलता है, स्वाद मिलता है, ज़रूर पीने आएंगे। आपने बड़ा कीमती समय दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद दिया।